एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र मोमती नगर अपराधियों को अपने घर के पास शराब पीने से मना करना एक महंगा पड़ गया। अपराधियों ने उसे पिस्तौल निकाल कर सर में गोली मार कर फरार हो गया। अस्पताल लाने के क्रम में घायल दिनेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ इलाके घर के पास आकर शराब पीता था और आते जाते लड़के को छेड़ता था, जिसकी शिकायत चौधरी के द्वारा कमलगंज थाने में कई बार किए गए, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद आज जब विनेश चौधरी अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा था, तभी उन अपराधियों ने विनेश चौधरी के सर में गोली मार कर फरार हो गया। बबरगंज का बड़ा बाबू छोटा बाबू को हम लोग कहे हैं रात में कि यहाँ से सब लुक्कड़ सब घूरता है, लड़की सबको छीन चोर करता है। आया लेकिन कुछ नहीं किया, घूर के चले गया। आज एक्शन लेता तो मेरा पति जिंदा रहता। हाँ वही सब मरा है, मनीष पंकज। दारू माफिया है सर? कौन? वहीं पर है कि नाम से पंकज चौधरी, मनीष चौधरी और राजेश चौधरी और एक तो है सर। उसके बाद बड़ा को फोन किया कि दारू पकड़े हुए हैं, आप आइए सर। भागलपुर से श्यामानंद सिंह।